हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। आज हम बनाने जा रहे हैं एक नई रेसिपी, तो चलिए हम उसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं दो खीरे, एक टमाटर और एक प्याज। तो इनका यूज़ करके आज हम बनाएंगे 5 मिनट के अंदर ग्रिल सैंडविच। तो सबसे पहले मैंने लिया है कद्दूकस, उसके अंदर मुझे कर लेना है इन दोनों खीरों को कस। तो आज हम जो सैंडविच बनाने जा रहे हैं उसमें वेजिटेबल को हम स्लाइस करके नहीं डालेंगे, सब चीज़ों को छोटा छोटा चॉप करके और खीरे को कस के डालेंगे। तो ये नए तरीके से सैंडविच आप देखिएगा कितनी जल्दी बन के तैयार होंगे। और कहीं अगर आप बाहर जा रहे हैं या बच्चों को लंच बॉक्स में दे रहे हैं तो उनको रखने में और खाने में भी बहुत आसानी होगी। तो इस तरीके से अब हम दबा के इस खीरे में से इसका पानी अलग कर देंगे। अच्छे से आप इसको दबा के इसका जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो निकाल दें, नहीं तो सैंडविच में वाटर वाटर हो जाएगा, सैंडविच अच्छे से नहीं बनेंगे। तो अब मैंने ले लिया है बाउल और इसके अंदर मैं अपनी प्याज को बिल्कुल छोटा छोटा सा चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो इसको चॉपिंग बोर्ड पे रख के अपनी वेजिटेबल को कट करें, मैं ऐसे ही हाथ से कर लेती हूँ, तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक हमें चाहिए सैंडविच के लिए अपनी वेजिटेबल, तो ऐसे ही हम छोटा छोटा कट कर लेंगे। अब मैं टमाटर भी ऐसे ही कट कर ले रही हूँ। एक बार फ्रेंड्स ऐसे बना के ज़रूर देखिएगा, आपने अभी तक स्लाइस वाले तो खा ही रखे होंगे, तो इनमें और बनाने में दोनों में बहुत ईजी हैं ये। तो ये देखिए मैंने अपने टमाटर भी इसमें कट कर लिए। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी ये अपना कसा हुआ खीरा, और अब ऊपर से फिर हम इसमें ऐड करेंगे आधी चम्मच चाट मसाला और बहुत ज़रा सी केवल 2 पिंच रेड मिर्च, और हल्का सा चौथाई चम्मच से भी कम मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, क्योंकि हमें इसमें ऐड करनी है ये मेयोनीज़। तो 2 स्पून मैं इसमें लगभग डाल रही हूँ मेयोनीज़ के, और लगभग 2 स्पून ही मैं डालूँगी इसमें टमाटो सॉस। तो हम ये दोनों चीज़ें डाल रहे हैं इसलिए इसमें हमें जो है नमक ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये मैंने कर लिया है अपना मिक्सचर तैयार। अब मैंने ली है देखिए ब्रेड की स्लाइस, और इसमें 1 चम्मच भर के हमने रख दिया अपना ये सैंडविच का मिक्सचर। तो इस तरीके से मैं दूसरा सैंडविच भी तैयार कर ले रही हूँ। बहुत ही जल्दी फटाफट से बनने वाले ये सैंडविच आपके लिए आज तैयार है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए अब मैंने अपना ग्रिलर खोल लिया है, इसमें मैंने लगाया हल्का सा देसी घी, आप चाहें तो यहाँ पे बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं अपने 4 मैंने सैंडविच बनाए हैं उनको मैंने रख दिया। ऊपर से मैं अगेन इसके ऊपर लगा रही हूँ हल्का सा देसी घी, और अब हम इसको 2 मिनट के लिए ग्रिल होने देंगे। तो चलिए देखते हैं, 2 मिनट हो गए, और ये देखिए 2 मिनट के अंदर कितने क्रिस्पी से लग रहे हैं देखने में, ब्राउन भी हो चुके हैं। तो अब हमारे ये सैंडविच बनके बिल्कुल रेडी हैं। इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं। तो ये देखिए मैंने निकाल लिया, मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल ये आपस में चिपक गए हैं, अच्छे से ग्रिल हो गए हैं, बिल्कुल क्रिस्पी से हो रहे हैं। तो अब हम करते हैं इसकी प्लेटिंग, जिसके लिए मैंने रखी है बीच में टमाटो सॉस, और ट्रायंगल में कट कर लिए मैंने अपने सैंडविच। तो इस तरीके से मैं बिल्कुल सिंपल से अपनी प्लेट में लगा रही हूँ और आपको दिखाती हूँ बिल्कुल आपस में जो हमने बनाया था टमाटर खीरा प्याज का को कस के उसके अंदर स्टफिंग सैंडविच की, आपस में अच्छे से चिपक गई है दोनों ब्रेड के बीच में, और ये अच्छे से बन के हमारे सैंडविच तैयार है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।